आने से ही आपको मुद्राओं से सिद्धियां प्राप्त होती है, पता है ना, मुद्राओं से सिद्धियां भी प्राप्त होती है। ये मन को एकाग्र करती है, मन को शांत करती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसको ज्ञान और ध्यान यानी मुद्रा बोलते हैं। अब वायु का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है शरीर में, तो हम क्या करते हैं, इसी को मूल में ले आ, फिर ये कहलाती है वायु मुद्रा। क्या कहलाती है? वायु। फिर ये वायु मुद्रा कहलाती है। और जो शरीर में वायु डिस्टर्ब हो गई है बढ़ने से, उसको घटाने का तरीका, जैसे जोड़ों में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द होता है, तो उनके लिए ये मुद्रा काम करती है। दर्द में, दर्द कहां होता है? जोड़ों में और मांसपेशियों में, दो ही सिस्टम में जहां दर्द होता है, और यही सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर ये दो सिस्टम ना हो, कौन कौन से दो सिस्टम? मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम, कौन सा सिस्टम, मांसपेशी और अस्थि संस्थान, ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगर यहां पे मार दिया जाता तो दिमाग बाहर निकल के बाहर चला जाता, अगर ये ढांचा प्रभु ने ना बनाया होता मांसपेशी और हड्डियों का, यहां मारते तो फेफड़े बाहर निकल के, हृदय बाहर निकल के चला जाता। तो प्रभु ने ये मांसपेशी जो मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम बनाए हैं, और जब सबसे सुरक्षित सामान को रखने के लिए तीन बक्से बनाए, सबसे सुरक्षित सामान रखने के लिए क्या रखा, तीन बक्से, हाँ, एक बक्सा ये, एक बक्सा ये, और एक बक्सा ये, सुरक्षित सामान को रखने के लिए है। बाकी जो जिसमें है वो थोड़ा सा यहां रख दिया, सब इकट्ठा किया और कहा, यहां रख दिया। प्रभु ने बड़ी रचना बड़े ढंग से की है। तो इसको करने के लिए आपको जो ये मुद्रा मैं बता रहा था, मुद्रा मैं आगे बताता हूँ क्योंकि समय नहीं होगा, स्थापना दे तो मैं आपको मुद्रा के एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये पंच तत्वों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, मैंने घटाने और बढ़ाने के दोनों तरीके बताए आप। अब दूसरी मुद्रा, अब इनको क्या करते हैं, देखिए, जीवन में जब आप मायूसी आ जाए, चलते चलते श्वास फूल जाए, और अगर किसी में जन्म देना है या अंकुरण करना है तो क्या करेंगे, उसको क्या क्या चीज चाहिए, पृथ्वी चाहिए, जल चाहिए और अग्नि चाहिए, तभी ये पेड़ बना या जीवन बना, तभी जीवन बनता है। अंकुरण फूटेगा, बीज बीज रहेगा, अगर बीज को पृथ्वी ना मिले, जल ना मिले और अग्नि ना मिले, तो उसमें कभी भी अंकुरण नहीं फूटेगा, वो बीज ऐसे ही रहेगा, और बीज के अंदर क्या है पता भी नहीं चलेगा। तो आप अपने अंदर के अंकुरण को फोड़ना चाहते हैं, उसमें क्या है उसको जानना चाहते हैं, और अपने अंदर उमंग लाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जल और पृथ्वी को मिलाना पड़ेगा। जल और पृथ्वी कौन सी है, ये दो, ये क्या है, ये जल है और ये पृथ्वी, दोनों को मिला लो, और अग्नि ऊपर से दे दो। ये क्या किया हमने, जल और पृथ्वी को लिया और ऊपर से क्या दिया, तो बीज डला हुआ है। अब क्या होगा, अंकुरण फूटेगा, इसको कहते हैं शक्ति मुद्रा। कौन सी मुद्रा बोलते हैं, शक्ति मुद्रा। क्यों शक्ति मुद्रा है, ये जीवन देती है, जिनके चलते हुए सांस फूटते हैं, बैठते हुए पड़ते हैं, जीना चलते हुए सांस फूटते हैं, ये ताकत देती है, ऊर्जा देती है, आपके जीवन में अंकुरण फोड़ देती है। क्या क्या दिया आपने, जल दिया, हवाएं नहीं आ रही पीछे, आवाज आवाज, जल दिया, पृथ्वी दी, और ऊपर से अग्नि दी, आवाज नहीं आ रही, माइक ले लो, पता नहीं। तो आपको ये मुद्रा जो है शक्ति मुद्रा कहलाती है, इसको लगाने से। मैं नाम क्यों दिया इसका, इसमें जल है, पृथ्वी है और अग्नि है, तीनों से मिलकर शक्ति बनी, और फिर जब अंकुरण फूट जाता है तो फिर कहां जाता है, वो वायु और आकाश में, तो आपका जीवन खिल जाएगा ये मुद्रा लगाने से।
दूसरी मुद्रा, जिनको मल्टीपर्पज बीमारियां हो जाती हैं, मल्टीपर्पज बीमारियां, खांसी भी है, जुकाम भी है जी, हृदय दर्द का भी है, हार्ट की बीमारी भी है, सबकी बीमारियां हैं। अब उनके लिए क्या करना है, देखिए इधर ध्यान से सुने, हमें अब क्या लेना है, सारी बीमारियां कहाँ हैं, आकाश और पृथ्वी के बीच में है, कहाँ है, आकाश और पृथ्वी के बीच में, तो आकाश को लेना है और पृथ्वी को लेना है, किसको लेना है, आकाश और पृथ्वी, मैं नाम भी बता दूंगा लेकिन आकाश ये पृथ्वी है और ये आकाश, अब दोनों को ले लो, सारी बीमारियों का इलाज के लिए, शुगर वालों के लिए, सब के लिए, अगर जी मुझे हार्ट की बीमारी, यही मुद्रा लगा ले भैया, गैस बनती है जी, यही मुद्रा लगा ले भैया, सभी के लिए, मल्टीपर्पज बीमारियों के लिए कौन सी मुद्रा, जिसका नाम बोलते हैं अपान मुद्रा, कौन सी मुद्रा बोलते हैं इसको, अपान, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, पृथ्वी और आकाश दोनों को मिला दो और अग्नि साथ में टर्क, तो इसको बोलते हैं अपान मुद्रा।